इसलिए मेरा दिमाग मत चाटना, ओके? और जियो और जीने दो। और मुझे ट्रॉल किया ना तो इसे अवार्ड से पीट के मारूंगी। राखी सावंत द बेस्ट आइटम डांसर इन बॉलीवुड। फाइनली थैंक गॉड कि अब आइटम गर्ल्स को अवार्ड मिलने लगे, आइटम सॉन्ग्स को अवार्ड मिलने लगे। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी ज़िंदगी में 75 से लेकर 100 आइटम सॉन्ग्स किए इन ऑल लैंग्वेजेस। अब इतने रियलिटी शोज किए हैं, मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला। हाँ, नॉमिनेट हुई हूँ हमेशा, लेकिन बहुत खुशी होती है। मेरी टांगें दुख गई, मेरी हड्डियाँ दुख गई बॉलीवुड में डांस करते करते, यू नो, इतनी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच कि सबसे बेस्ट अवार्ड मुझे मिला है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। नहीं भाई, हमने परचेज नहीं की, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अवार्ड को परचेज करें। आज मेरा परफॉर्मेंस भी था और फिल्म जो ज्यूरी है, जो फेडरेशन है, उन्हें लगा कि राखी सावंत पिछले 12 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है और आज तक उसे एक भी अवार्ड नहीं मिला। हालांकि मेरे सारे गाने हिट है, सारे एल्बम भी हिट है, सारे रियलिटी शो हिट है, बट नॉमिनेशन में हमेशा आई हूँ, अवार्ड नहीं मिला। अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट को, एक टेक्नीशियन को, एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हिम्मत होती है और मेहनत करने की। हम दिन ब दिन मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपसे सिर्फ 4 सवाल पूछूंगी और पूरी मीडिया मुझे उसका जवाब दे और देश की जनता मुझे उसका जवाब दे। अगर वो मुझे जवाब दे देगी तब मैं बताऊंगी कि पाकिस्तान का फ्लैग जो है मैंने अपने बॉडी पे क्यों लगाया और क्यों लहराया। मतलब आप सिर्फ आर्टिस्टों को ही पकड़ते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर को नहीं पकड़ते हैं क्या? क्या आपको 2 साल पहले की बात प्रोटोकॉल की याद दिला दूं? एक्स पाकिस्तान के जो पीएम थे, क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ जी के पास तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो बगैर इनविटेशन के चले गए थे पाकिस्तान। उनको तो पूरे हिंदुस्तान ने किसी ने नहीं रोका। और हमारी सानिया मिर्जा जी हिंदुस्तान की शान जान, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने तो वहाँ पे शादी करी है। और हमारे सिद्धू जी तो पाकिस्तान गए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग, सब लोग पाकिस्तान जाते हैं। और हाँ, फुलवा ट्रिप को मैं कैसे भूल जाऊँ, जिस देश हिंदुस्तान के देश में चिड़िया नहीं आ सकती, हमारे आर्मी चिड़िया को भी मार दे अगर पड़ोसी देश से आ जाए तो। फुलवा अटैक में इतना RDX, इतना बारूद कहाँ से आ गया? हमारे जवान कहाँ से मरे? कौन लाया बताओ ना, मुझे जवाब दो आप लोग, मुझे इन सब सारी चीजों के जवाब दो, फिर मैंने बताऊंगी कि मैंने पाकिस्तान का फ्लैग क्यों लगा। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, मुझे ये सब जवाब चाहिए। आप को पता है कि जब पाकिस्तान पर फिल्में बनती है तो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझ पर ट्रोल करना बंद करें, बिकॉज आई लव माई इंडिया एंड आई एम प्योर इंडियन। यस, हर पाकिस्तानी बुरा नहीं होता, हर मुसलमान बुरा नहीं होता। मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, मेरी फिल्म का नाम है धारा 370, उसमें मैं एक पाकिस्तानी लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि जिहादी बच्चे जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे कश्मीर के बच्चों को जिहादी बनाया जाता है। और वहाँ से एक पाकिस्तानी अच्छी लड़की जो है पाकिस्तानी है लेकिन दिल उसका हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान के लोगों को वो हेल्प करती है बॉर्डर पार कराने के लिए, तो वह मेरा कैरेक्टर है। मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ तो क्या मैं इंडिया का फ्लैग दिखाऊंगी? अगर मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ तो पाकिस्तान का फ्लैग दिखाऊंगी इन द फिल्म, तो इसलिए मैंने फ्लैग लगाया। सबसे पहले मुझे वो 4 जवाब चाहिए हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आर्मी से और मीडिया से। इसलिए मेरा दिमाग मत चाटना, ओके? और जियो और जीने दो। और मुझे ट्रॉल किया ना तो इसे अवार्ड से पीट के मारूंगी। देखिए, मैं प्योर इंडियन हूँ, आई लव माई इंडिया, मेरा कर्म इंडिया, मेरा धर्म इंडिया, मैं जीऊँगी इंडिया, मैं मरूँगी इंडिया, मेरा सब कुछ इंडियन है। मैं आज बहुत खुश हूँ और आज आप मुझे बिल्कुल ट्रोल नहीं करेंगे,
हिंदुस्तान की जनता को हो क्या गया? हम लोग एक्टर है यार, हम लोग एक्टर है, हमें हर कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? चलो मुझे जाने दो, बाय।